वैन की बैठने की मूल क्षमता से 3 गुना विद्यार्थियों को बैठाने वाले स्कूल वैन पर बुधवार को उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने कार्रवाई की। 10+ की क्षमता वाली स्कूल बस में 31 विद्यार्थियों को बैठाया गया था। बुधवार को आरटीओ के उड़न दस्ते ने कामटी रोड पर वाहनों की जांच करते समय स्कूल वैन को रोका। इसमें विद्यार्थियों की संख्या देखकर दस्ते के मोटर वाहन निरीक्षक हैरत में पड़ गए। ये विद्यार्थी कामटी की अविनाश पब्लिक स्कूल के थे। मोटर वाहन निरीक्षक वीर सिंह ढवले व सहायक मोटर वाहन निरीक्षक सूरज मून ने शाला में सभी विद्यार्थियों को पहुँचाए जाने के बाद वैन जब्त की। निरीक्षक वीर सिंह ढवले ने बताया कि स्कूल वैन में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बैठाने के लिए चालक ने बैठने की मूल व्यवस्था में बदलाव किया। स्कूल बैग रखने तक की जगह नहीं थी, इसलिए विद्यार्थी स्वयं उसका बोझ संभाल रहे थे। वे एक दूसरे पर बैठे हुए थे। कुछ विद्यार्थी चालक से सटकर बैठे थे। ये कक्षा पहली से 9वीं के विद्यार्थी थे। अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे स्कूल में कैसे जा रहे हैं। वाहन चालक के बर्ताव आदि की जानकारी लेना जरूरी है। आरटीओ ने अपील की है कि कम पैसों में यातायात सुविधा मिलने से बच्चों की जान की जोखिम न लें। अविनाश उच्च माध्यमिक विद्यालय कामठी रोड या शाळेचे विद्यार्थी घेऊन स्कूल बस काल कामठी रोडवरती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय नागपूर पूर्व या कार्यालयाच्या वायव्य पथकामार्फत त्या स्कूल बसवरती कारवाई करण्यात आली। त्या स्कूल बसमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जात होती। तसेच त्या स्कूल बसचा योग्यता प्रमाणपत्र संपलेलं होतं, इन्शुरन्स संपलेला होता व त्याचा जो कर आहे तो सुद्धा थकित होता। प्रत्येक शाळेमध्ये एक स्कूल बस समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे। त्या शाळेवरती या सर्व गोष्टींवरती नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ठेवलेली आहे, ठरवण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये प्रादेशिक परिवहन विभागाचे एक मोटर वाहन निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी तसेच ट्रॅफिक पोलीस विभागाचे पोलीस निरीक्षक यांचा देखील समावेश असतो आणि त्या समितीचे अध्यक्ष मुख्याध्यापक असतात। त्यांच्यावरती या सर्व याचं नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी केलेली आहे। त्याचबरोबर प्रादेशिक परिवहन विभाग मार्फत या स्कूल बसवरती म्हणजे क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतात त्यांच्यावरती वेळोवेळी कारवाई केली जाते। मी आपल्या माध्यमातून सर्व नागरिकांना विद्यार्थ्यांना विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आवाहन करू इच्छितो की आपला पाल्य हा कुठल्या स्कूल बसमधून जात आहे याची ती स्कूल बस व्यवस्थित सुयोग्य स्थितीमध्ये आहे का याची खातरजमा करणं ही पालकांची देखील जबाबदारी आहे। प्रशासनासोबतच पालकांची देखील जबाबदारी आहे। त्यांनी या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि आपला पाल्य हा ज्या स्कूल बसमधून चाललो त्याच्यामध्ये किती विद्यार्थ्यांची संख्या आहे ह्या गोष्टीकडे त्यांनी देखील लक्ष द्यावं आणि स्कूल बस चालकांनी देखील जास्त पैसे कमवण्याच्या उद्देशाने अशा प्रकारे क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक करून विद्यार्थ्यांच्या जीवितांशी खेळ करू नये। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर।